हेलो गाइज, वेलकम टू करंट अपडेट। करंट अपडेट में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और मार्को इकोनॉमिक्स क्या होती है। ये जो दो कंसेप्ट है इकोनॉमी में यूपीएससी में पूछे जाते हैं, काफ़ी बेसिक सा कंसेप्ट है और लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं कि ये कहाँ से आई। देखिए, 1930 में क्या हुआ था कि ग्रेट डिप्रेशन आया था। उसके बाद में ये जो इकोनॉमी है इसको दो भाग में डिवाइड किया गया था। एक किया गया था माइक्रो इकोनॉमी, सेकेंड की गई थी मार्को इकोनॉमी। अब ये जो जॉन मैरन केनीज है, इसे फादर ऑफ मार्को इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, अब ये तो रहा इसका थोड़ा ओवरव्यू। लेकिन अभी ये जो मार्को इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, अभी यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है कि मार्को इकोनॉमिक्स इज़ अबाउट फॉरेस्ट और माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ अबाउट ट्री। अभी ये यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल के लिए कहा गया है फॉरेस्ट और ट्री। मतलब मार्को इकोनॉमिक्स मतलब इसका बड़ा स्केल, ठीक है, बड़ा वर्जन, और जो माइक्रो मतलब इसका छोटा वर्जन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फॉरेस्ट और ट्री के बारे में कैसे बताया है, मतलब फॉरेस्ट क्या है, एक बड़ा वर्जन है, और वो ट्री क्या है, उसमें का छोटा वर्जन है, ठीक है ना। तो ये जो मार्को इकोनॉमिक्स है ये बड़े वर्जन के साथ डील करती है, और ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये छोटे वर्जन के साथ डील करती है। ठीक है, तो ये छोटा सा कंसेप्ट है। यहाँ पे फॉरेस्ट और ट्री का वैसे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन जो मार्को इकोनॉमिक्स है वो क्या करती है, जो फॉरेस्ट है जो बड़ा थिंग है उसके साथ डील करती है, और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो जो छोटे चीज़ें हैं वो उसके साथ डील करती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में मैंने कहा है कि ये इट्स डील विद बिग पिक्चर एंड इट्स डील विद स्मॉल पिक्चर। तो ये दो कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट। उसके बाद में ये जो मार्को इकोनॉमिक्स है ये क्या करती है, टॉप अप्रोच एनालिसिस लेती है। क्या? टॉप अप्रोच एनालिसिस, ठीक है। और ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये क्या लेती है, बॉटम अप्रोच एनालिसिस। ठीक है, मार्को इकोनॉमिक्स टॉप अप्रोच एनालिसिस लेती है और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या लेती है, बॉटम अप्रोच एनालिसिस। ठीक है, अब ये जो मार्को इकोनॉमिक्स है ये क्या अंडरस्टैंड करती है, जो इन्फ्लेशन ग्रोथ है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है। वही माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करते हैं कि जो कंज्यूमर की चॉइस होती है, ठीक है, हाउ द इनकम वो अर्न कैसे करती है, उनकी चॉइस क्या कहती है, जो माइक्रो माइक्रो चीज़ें होती है उस पर क्या करती है, फोकस करती है। ये छोटा सा कंसेप्ट है मार्को इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो होपफुली आपको समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हैव गुड डे। बाय बाय।